एवरीवन वेलकम टू आईक्यू वर्ल्ड। दोस्तों आज के डेट में आरआरबी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। रिवीजन ऑफ वैकेंसीज फॉर सीएन नंबर 01/2019 एनटीपीसी पोस्ट। तो एनटीपीसी पोस्ट की जो वैकेंसी थी उसमें कुछ रिवाइज किया गया है। क्या रिवाइज किया गया है वो हम लोग देखेंगे अभी। देखिए इसको दो तरीके से रिवाइज किया गया है। देखिए पहला है द वैकेंसी ऑफ एक्स सर्विसमैन हैज़ बीन रिवाइज टू 10% ऑफ टोटल वैकेंसी, यानी कि प्रत्येक आरआरबी में जितनी वैकेंसी टोटल थी उसका 10% यहाँ पर रिजर्व किया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। और दूसरा क्या किया है कि द पीडब्ल्यूडी वैकेंसी हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 02/04 कैटेगरी नंबर 3 इन लेवल 5 एज द पीडब्ल्यूडी आर नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट। यानी कि जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट थे उनको कैटेगरी नंबर 3 के पोस्ट के लिए जीरो कर दिया गया है सीट। और इसमें कहा गया है कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है सो 3 नंबर कैटेगरी के लिए सुटेबल नहीं है। 3 नंबर कैटेगरी जो है दोस्तों वो गुड्स गार्ड का है। गुड्स गार्ड की कैटेगरी 3 नंबर है। तो गुड्स गार्ड में जो विकलांग कैंडिडेट हैं, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, वो गुड्स गार्ड की नौकरी करने के सुटेबल नहीं है। इसके लिए गुड्स गार्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का जो वैकेंसी है वो रिड्यूस करके शून्य कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर दो मिले वैकेंसी यहाँ पर। देखिए अब देखिए एक बात और यहाँ पर कहा गया है कि ये जो वैकेंसी थी उसको पहले भी 10/5/2019 के डेट में भी इसको क्या किया गया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं 10/5/2019 के डेट में भी इसको एक बार रिवाइज किया गया था और उसको एनेक्चर B1 में टेबल में डाला था। आगे फिर से फर्दर इसको रिवाइज किया गया है आज के डेट में और इसका जो एनेक्चर है वो B2 एनेक्चर माना गया है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये जो एनेक्चर आपको दिख रहा होगा ये B2 एनेक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है। और जितने भी टर्म्स ऑफ कंडीशन थे वो सब सेम पहले की तरह हैं, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब जो है ये नोटिस आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन बढ़ गया है। बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर क्या ये प्रीफ्रेंस देने का फिर से मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रीफ्रेंस चेंज करने का। और भी बहुत सारे डाउट थे। कुछ लड़के बोल रहे थे कि सर इलाहाबाद जो है बोर्ड में आरआरबी इलाहाबाद में पहले वैकेंसी थी 4099 नॉर्मल वैकेंसी, लेकिन उसको कम करके 4030 कर दिया गया है, यानी कि नॉर्मल वैकेंसी भी कम हुई है। तो उसका भी आज हम लोग देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है, सच में नॉर्मल वैकेंसी भी कम हुई है या ऐसे ही आप लोगों को ऐसा लगता है, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो 10/5/2019 की जो हुई थी यहाँ पर रिवाइज, तो उसी के रिगार्डिंग जो है सो 4099 घट करके 4030 पे आई थी, ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चलिए वो उस पर चलते हैं हम लोग अभी। देखिए आपके सामने अभी आरआरबी अहमदाबाद का बोर्ड साइट खुला हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ये एनटीपीसी का, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी का ये कॉलम बना हुआ है। इसमें आप देखिएगा जैसे ही पहले के अपडेट यानी पुराने अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा, ठीक है। इस पेज में अगर आप नीचे जाते हैं, चलिए आप इसमें नीचे जा कर देख लेते हैं। इसमें नीचे जाने के बाद रिक्तियों की संबंधी में सूचना, यहाँ पर देख रहे हैं कि रिक्तियों की जो संशोधन है उसमें यहाँ पर आपको ये मिलेगा, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके एक साइट एक पेज खुलेगा PDF। चलिए PDF खोल लेते हैं। देखिए इस PDF में क्या कहा गया है वो भी देख लेते हैं। देखिए रिवीजन ऑफ वैकेंसीज फॉर CN01/2019 NTPC पोस्ट। देखिए यहाँ पर जो 10 ये देखिए 10/5 के डेट का है, वहाँ पे जो लिखा हुआ था वही डेट का यहाँ पे ये जो नोटिस है ये 10/5 के डेट का है। इसमें देखिए क्या किया गया था, इसमें देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दो प्रकार से इसमें भी संशोधन किया गया था। द वैकेंसी ऑफ DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 69 वैकेंसी। और DLW जो इलाहाबाद बोर्ड में पड़ता है तो इलाहाबाद बोर्ड में 69 वैकेंसी उसी टाइम कम किया गया था, 10/5/2020 को ये कम किया गया था। तो इसमें देख रहे हैं कि इसलिए जो इलाहाबाद बोर्ड की जो वैकेंसी शुरुआत में वो थी 4099, लेकिन अभी जो दिखा रहा है उसमें 4030 दिखा रहा है क्योंकि पहले भी एक बार कम हो चुका है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या हुआ था कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको
237 पोस्ट से उसको बढ़ाकर के 302 पोस्ट यहाँ पर किया गया था। तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि नॉर्मल वैकेंसी में अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये पहले से ही इसमें कम किया हुआ था। ठीक है, अब आपको हम दो तीन साक्ष्य यहाँ पर दिखाएंगे, प्रूफ दिखाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि वैकेंसी में बदलाव, वैकेंसी में संशोधन होने के बाद, जो रिवीजन होता है वैकेंसी में, उसके बाद पोस्ट प्रिफरेंस का यहाँ पर मौका दिया जाता है। पोस्ट प्रिफरेंस का मौका जो है वो आपको दिया जाएगा। चलिए दो तीन हम लोग प्रूफ देख लेते हैं इसमें। चलिए देखिए, इसी बोर्ड के साइट पर आप देख सकते हैं, जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर रोजगार अधिसूचनाएं दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इसमें आप सबसे पहले, मैं दो तीन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर का बताता हूँ आपको। सबसे पहले ग्रुप डी 2018 का देख लेते हैं। देखिए ग्रुप डी 2018 का है ये, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये साइट खुल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियों से संबंधित सूचना, जैसे इस पर चार ऊपर से चार नंबर क्लिक करेंगे इस पर, तो आपके सामने एक और पीडीएफ खुलेगा। तो उस पीडीएफ में देखिए क्या कहा गया है। देखिए इस पीडीएफ में रिवीजन ऑफ पीडब्ल्यूबीडी वैकेंसी, इसमें भी पीडब्ल्यूबीडी वैकेंसी का यहाँ पर रिवीजन किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिवीजन करने के बाद जो भी हुआ उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ है, रिवीजन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द पोस्ट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एज पर द रिवाइज पीडब्ल्यू वैकेंसी। देखिए कॉन्सिक्वेंट टू द रिवीजन ऑफ वैकेंसी एज मेंशनड इन पारा 1.0। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पारा 1.0 मेंशनड एंड डिटेल्ड इन द रिवाइज एनेक्चर बी। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हु क्वालिफाई एज पर मेरिट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अलाउड टू एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर द पोस्ट रिवाइज्ड रिजर्व्ड फॉर द देम एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू ऑफ द रिस्पेक्टिवली रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। यानी इसमें यह कह रहा है कि जो कैंडिडेट पास हुए हैं, ये जो है सो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले का है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो रिवाइज किया गया था वैकेंसी उसमें, तो उसके बारे में हम नोटिस दिया हुआ है कि आपको जो वैकेंसी रिवाइज किया गया है तो उसको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेंशन करना है वहाँ पे। ठीक है, ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंडिकेट देयर प्रायोरिटी ऑफ पोस्ट फॉर एज एनी मेनी पोस्ट आर दे आर एलिजिबल फॉर। ठीक है, यानी कि रिवाइज वैकेंसी के बाद आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हुए हैं उसको भी आपको इंडिकेट करना है। इन केस एनी कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर ओनली फ्यू पोस्ट, यानी कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कुछ ही पोस्ट को ऑप्शन चुने हैं, ही विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर दोज ऑप्टेड पोस्ट एंड नॉट फॉर अदर पोस्ट। यानी कि तो उनको केवल वही पोस्ट दिया जाएगा जो वहाँ पर आप चुनेंगे। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा उसके बाद नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर लिख दिया गया है। चलिए कुछ और हम लोग देख लेते हैं। यानी कि इससे लगता है कि अगर आपको इस नोटिस में जो अभी जो आज के नोटिस दिया है उसमें अगर ये क्लियर नहीं किया है तो आगे कोई नोटिस अभी आएगा। ठीक है, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा इधर उधर हुआ है तो ज़रूर आपका पोस्ट प्रिफ्रेंस देने का मौका मिलेगा। चलिए एक और हम देख लेते हैं। अब ALP टेक्नीशियन 2018 का देखिए, ALP टेक्नीशियन जो है 2018 का वो देख लेते हैं। देखिए ये है 2018 का टेक्नीशियन ALP। इसमें देखिए आपको इसमें भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी देखिए PWBD तथा एक्स सर्विसमैन की रिक्तियों के संबंध सूचना। ठीक है, और आप नीचे भी देख सकते हैं आप लोग। देखिए जैसे ही संशोधन हुआ था, जैसे ही यहाँ पर शुद्धि पत्र यहाँ पर निकला था, रोजगार सूचना शुद्धि पत्र, और उसमें कुछ संशोधन पोस्ट में किया गया था, तो उसके बाद देखिए उसके बाद आपके लिए देखिए रिक्तियों में संशोधन, रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन, रेलवे पद हेतु पसंद क्रम, देखिए पोस्ट प्रिफ्रेंस आदि के लिए सूचना। ठीक है, यहाँ पर सूचना दिया गया था। ठीक है, यानी कि अगर देखिए वरीयता, पद की वरीयता और परीक्षा ट्रेड में संशोधन करने की सूचना, तो
कोई भी यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट करके बता देता हूँ। देखिए जैसे इसको देखिए और आप इसको देखिए, रिक्तियों जैसे संशोधन किया गया, उसके बाद जस्ट बाद आपके लिए ये वरीयता, पद की वरीयता जो है, पद की वरीयता इसको भी संशोधित मॉडिफाई करने का यहाँ पर एक लिंक दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही सब में लिंक दिया जाएगा। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं हम लोग, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी में। देखिए मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का देख लेते हैं, 2019 वाला जो अभी का जो आया है उसको भी देख लेते हैं। चलिए ये है, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए देखिए रिक्तियों में संशोधन संबंधी सूचना, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा पीडीएफ में। देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर दो पोस्ट को यहाँ पर ख़त्म किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए दो पोस्ट को यहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ वैकेंसी, दो पोस्ट को कैंसिल किया गया था मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी 2019 का, ये हाल फिलहाल का बात है। वो भी देखिए, द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर DLW इन द एबव कैटेगरी आर अलाउड टू मॉडिफाई। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है मॉडिफाई करने के लिए, जैसे RRB, रेलवेज, PSU एंड कैटेगरी ऑप्शन। ठीक है, अलाउड टू मॉडिफाई टिल इतना इतना डेट दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि मॉडिफाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मॉडिफाई कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को। तो दोस्तों यहाँ से ये साबित होता है कि जितने भी केस हुए हैं जिसमें कि वैकेंसी संशोधित हुए हैं, तो सभी को मौका दिया गया है यहाँ पर मॉडिफाई करने का। किसी किसी में नोटिस, उसी नोटिस में लिख दिया गया है कि मॉडिफाई किया जाएगा, और किसी किसी में अलग से नोटिस निकाला गया है कि मॉडिफाई करने का डेट आपको यहाँ से यहाँ तक डेट, एक सप्ताह का डेट दिया जाता है। तो उम्मीद है कि रेलवे भर्ती बोर्ड जो है NTPC के लिए भी मॉडिफाई करने का मौका देगी यहाँ पर, भले ही सभी स्टूडेंट को ना दे, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन के स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर मौका यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।